विटामिन सी की कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब नाविकों को स्कर्वी के कारण विटामिन सी की कमी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 1956 के दौरान हवाई में न्यूट्रिशन के पायनियर कार्ल रेनबॉग ने एसरोला चेरी के बारे में स्टडी करना शुरू किया, जिसे विटामिन सी के सबसे शानदार प्राकृतिक स्रोतों में से एक माना जाता है। न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस को न्यूट्रलाइट की सीड से सप्लीमेंट तक की फिलॉसफी से लगातार उच्च मानकों के तहत तैयार किया जाता है। न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस एसरोला चेरी की 5 सावधानी पूर्वक चुनी गई किस्मों को उगाकर तैयार होता है। नर्सरी में 1.5 साल और फिर बाग में दोबारा 2 साल तक बढ़ने के बाद ही पेड़ पर फल लगने शुरू होते हैं। इनकी कटाई तब की जाती है जब फल पूरी तरह पकने से पहले हरा होता है। यही वो समय होता है जब इनमें विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। इस फसल को फार्म में मौजूद हमारी कंसंट्रेशन फैसिलिटीज में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी जेंटल तकनीकों का उपयोग करके विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नुकसान को कम करते हुए चेरी को धोया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सुखाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस दो स्रोतों के मिश्रण, प्राकृतिक एसरोला चेरी एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड द्वारा तैयार किया जाता है। ये उस मात्रा को प्रदान करने के लिए है जिसे फायदेमंद माना जाता है। सीड से सप्लीमेंट तक की ट्रेसेबिलिटी के साथ हम नर्सरी से बाग, फिर कंसंट्रेशन और फिर प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक पूरे प्रोसेस को ट्रैक और मॉनिटर करते हैं। न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट 8 घंटे तक धीरे धीरे और लगातार विटामिन सी को रिलीज करती है, जिससे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, जिसे एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इम्यूनिटी को दिन भर सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस।